मंगलवार को नागपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और दोपहर में शहर के साथ जिले में कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। शहर के वाड़ी इलाके में तो ओले भी गिरे। पहले ही सिर पर कोरोना महामारी का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में बेमौसम बारिश आना बीमारियों को न्योता देने से कम नहीं। इस अचानक आई बारिश से ठंड के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी बढ़ गई है। एक और पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी ओर मंगलवार को अचानक आई बारिश ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस बारिश ने बीमार करने वाला मौसम बना दिया है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही बारिश आने का पूर्वानुमान बताया था। मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे, वहीं सुबह भी हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन दोपहर 12 के बाद शहर में जोरदार बारिश हुई। चारों ओर काला अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की वजह से लोग भी बीच रास्ते पर रुककर सिर छिपाने जगह ढूंढने लगे तो कई सड़कों पर लबालब पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम भी हो गया, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। बल्कि इस अचानक आई जोरदार बारिश से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। हालांकि कुछ समय बाद बारिश रुक गई, लेकिन लोगों को बीमारी की सौगात दे गई। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई, साथ ही चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। वहीं वाड़ी परिसर में ओले भी गिरे। इस बारिश ने सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। वहीं इस संक्रमण काल में लोगों को अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता सताने लगी है। नागरिकों से VKB न्यूज़ की अपील है कि इस कोरोना काल में वे नियमों का पालन कर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बेवजह घर से ना निकले और स्वस्थ व सुरक्षित रहे। VKB न्यूज़ की खास रिपोर्ट।